सो आज हम लोग थोड़ी देर के लिए रोमियो की पुस्तक में जाएंगे और ये विशेष पाठ मैं तुमको आज पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तीन बार हम लोग इसके बारे में वर्णन कर चुके हैं, जहाँ पे कि मैंने संक्षेप में पहली बार ये तुमको बताया कि रोमियो की पुस्तक का विशेष संदेश क्या है और उसकी विशेष पद हम लोग ने पढ़ा जो कि रोमियो की पहली अध्याय और उसके 16वें पद में पाया जाता है, जहाँ पे कि संत पौलुस परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये लिखते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता। क्या लिखते हैं? मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता। ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता, बोलो, मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार के में निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इतना अगर तुमने याद कर लिया तो तुमको रोमियो की पुस्तक समझ में आने लगेगी। रोमियो की पुस्तक में सुसमाचार के द्वारा जो विश्वास उत्पन्न होता है उनके तीन भागों का वर्णन है और आज हम पहले भाग की बात करना चाहते हैं। पहला भाग ये है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमको पापों की क्षमा देता है। क्या देता है? ठीक है, सो पहली चीज़ हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से पौलुस यहाँ पर सुसमाचार को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। सुसमाचार क्या है? ये घटना है कि एक लड़की थी विदेश में, वो संडे के दिन चर्च से बाहर गई और उस दिन उनके संडे स्कूल के टीचर ने कहा कि आज हम लोग का कार्यक्रम है कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो छोटी लड़की थी वो, हमारे ख्याल से 8-9 साल की होगी, तो उसने बाइबल के कुछ पद थे, कुछ ट्रैक्ट थे, कुछ लिटरेचर था, उसको लेकर वो बाहर गई। और भी बच्चे थे वहाँ पर और स्टेशन पे वहाँ पे खड़े हुए थे उन लोग, तो एक साहब खड़े हुए थे वहाँ पे हैट लगाए हुए और ये विदेश की बात है और अपना ब्रीफ केस लिए हुए तैयार टाई हुई लगाए खड़े थे। तो ये लड़की उनके पास गई और उनसे अंग्रेज़ी में उसने पूछा कि सर, आर यू सेव्ड, क्या आपका उद्धार हुआ है? तो उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा बहुत प्रेमी भाव से और कहा, बेटा मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रश्न क्या है? क्या ये कि मेरा उद्धार हुआ है, या ये कि मेरा उद्धार हो रहा है, या ये कि मेरा उद्धार होगा? अब वो लड़की बड़ी चक्कर में पड़ी, क्योंकि उसके क्लास में ये तो बताया नहीं गया था। उसके टीचर ने कहा था जाके पूछना, आर यू सेव, क्या तुम्हारा उद्धार हो गया है? और अगर व्यक्ति कहता नहीं तो उसको ये पर्चा दे देना। आज भी हमारी ये एक गलत प्रकार की समझ का तरीका है। तो हम इस प्रश्न को लेकर लोगों के पास जाते हैं, हर व्यक्ति पूछता है क्या तुम्हारा उद्धार हो गया है? तो आपसे अगर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, से पूछेगा क्या कहेंगे। रोमियो की पत्री में वो हमको इसको तीन चरणों में या तीन स्टेप्स में बताता है। तो पहला हमने देखा था अभी कल और परसों, दो दिन से जो हम दसवें पहले अध्याय में बात कर रहे थे, कि वहाँ पे पौलुस जब आरंभ करते हैं तो किस चीज़ से आरंभ करते हैं? 16वें पद से, कि मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अर्थात उद्धार को पाने के लिए, उद्धार को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि उद्धार है क्या? व्हाट इज सेल्वेशन? किस चीज़ से उद्धार है? तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि उद्धार पापों की क्षमा से है। क्यों हम देखते हैं? इसलिए क्योंकि 18वें पहले पद के 18वें पद में जब जाएंगे तो अब पौलुस 18वें पद से लेकर और 27वें पद तक विशेष रूप से ये बताना शुरू करते हैं कि मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता क्यों है। कोई भी जाता सड़क पे पूछता है, भाई तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हें मुक्ति मिल गई। बहुत से शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मुक्ति है, उद्धार है, क्षमा है, बहुत से शब्द इस प्रकार के हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या तुम्हें क्षमा मिल गई? क्या तुम्हें उद्धार मिल गया? क्या तुम्हें निवारण मिल गया? क्या तुम्हें मुक्ति मिल गई? सबसे पहली चीज़ पौलुस क्या करते हैं, अगर आप 18वें पद में देखेंगे, वहाँ लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर
स्वर्ग से प्रकट होता है, जो क्या करते हैं, जो कि सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। के मतलब क्या है, आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत सफाई से बताता है कि उन्होंने क्या किया है। तीन चीज़ें करी हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने क्या किया है, जो परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना। परमेश्वर का ज्ञान, चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, किसी भी जाति में क्यों ना हो, किसी भी देश प्रदेश में क्यों ना हो, जंगल में हो, शहर में हो, बड़े एडवांस कंट्री में हो, चाहे अंग्रेज़ी बोलते हो, यूनानी बोलते हो, जर्मन बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, हिंदी बोलते हो, चाहे जो भी भाषा के आप क्यों ना हो, हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का ज्ञान है। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब उनका बनाने वाला कौन है, एक ही परमेश्वर है। ये सबसे आधार मूल बात है, इसके ऊपर सारी चीज़ रुकी है। अगर ये मेज़ यहाँ पे नहीं है तो आप उसके ऊपर एक घर विश्वास का नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये मेज़ जो है क्या है, आधार है जिसके ऊपर सब खड़ा है। सो सारा सत्य इस बात के ऊपर खड़ा है कि परमेश्वर एक है, जिसने कि संपूर्ण मनुष्य जाति की रचना करी है, और वो रचना हम देख चुके हैं केवल एक मनुष्य के द्वारा करी। और वहीं से ये शब्द जो कि हम इस्तेमाल करते हैं यूनानी भाषा में, ग्रीक जिसको ग्रीक बोलते हैं, इब्रानी भाषा में जिसको हिब्रू बोलते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में, लैटिन में, जर्मन में, सारी भाषाओं में, संस्कृत में, वो नर, वो पुरुष, वो आदम जाति है, जिसको हम हिंदी में आदमी बोलते हैं ना, आपने सुना है कि नहीं, ये आदमी शब्द आपको कहाँ से मिला है, वहीं से मिला है। आदम, एक मनुष्य की परमेश्वर ने रचना करी। पाँचवें अध्याय के बारहवें पद में वहाँ पे यह लिखा हुआ है, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य, एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, उसके क्या हुआ, पाप सब में फैल गया, और पाप के कारण मृत्यु फैल गई। आज जो हम मृत्यु देखते हैं वो क्यों है, वो पाप के कारण है, क्योंकि पाप आया, पाप के द्वारा मनुष्य का शरीर, आत्मा, प्राण डिके होने लगा, और धीरे धीरे मनुष्य क्या होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, बुरा किसी बीमारी से ही मरता है, हार्ट अटैक हो चाहे जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ काम करना बंद कर देता है। साइंस हमको बताती है कि हमारे सेल प्रतिदिन मर रहे हैं, कि जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं ना, हम लोग काला उला करने लगते हैं, वो काहे के लिए, इसलिए कि हमारे सेल जो है वो मर रहे हैं। तो क्योंकि वो मर रहे हैं तो जैसा कार्य शरीर को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। अब वो चश्मा मैं पहन रहा हूँ, अभी कुछ साल पहले मैं चश्मा नहीं पहनता था, कोई ना कोई कमी तो होगी तभी तो पहन रहा हूँ ना। पहले जितनी भूख लगती थी उतनी भूख अब नहीं लग रही है, पर अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा शरीर जो है, हम बूढ़े हो रहे हैं। वो क्यों है, क्योंकि पाप जब आया तो पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई, ये साइंटिफिक सत्य है। और मृत्यु ने क्या किया, वो सब में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। कहाँ पाप किया, आदम में होकर पाप किया है। इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ जेनेटिक्स। आदम में हम थे, जिस प्रकार से मैं अपने पिता में था, ठीक है, मेरे पिता के पास अगर मैं बैठ जाता हूँ, अभी हम लोग अपने लड़के की पिक्चर देख रहे थे, और मेरा लड़का जो है उसका चेहरा मुझसे बहुत मिलता है, और जो मेरी जवानी की पिक्चर थी उसको हमारे मित्रों ने और उस लड़के के आसपास लगाया, कह रहे ये तो लड़का बिल्कुल हूबहू आपकी तरह लगता है। क्यों लगता है, ये जेनेटिक्स है। जीनस मतलब हमारे जो जीवन का भाग था वो हम दूसरे में, अपने बच्चों में उसको देते हैं, माता और पिता दोनों का। अक्सर बच्चे पैदा होते हैं छोटे रहते हैं, अभी हाल में किसी की बिटिया पैदा हुई थी, हमारी पत्नी गए तो वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी, अरे ये बिटिया तो बिल्कुल मम्मी की तरह लग रही है। मम्मी बेचारी बड़ी खुश हो गई। दो हफ्ते के बाद वही लोग पहुँचे, अरे ये बिटिया तो पापा की तरह लग रही है। क्या हो रहा है वहाँ पर, दोनों की छवि उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पॉलुस कहते हैं कि उस एक व्यक्ति के द्वारा क्या हुआ, पाप आया, तो उसका एक प्रभाव क्या हुआ कि सत्य को उन्होंने अधर्म से दबा दिया। सत्य क्या है, उनके मनों में परमेश्वर का ज्ञान है। कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति, कोई भी देश, कोई भी शिक्षा, कोई भी सिद्धांत कभी ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ।
जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, तो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? जैसे ही उसने अपना मुंह परमेश्वर का नाम लेने के लिए बोला, इसके मतलब क्या है? परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार कर रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमने अगर तुम्हारा नाम लिया तो इसके मतलब क्या है? हम ये मान रहे हैं कि तुम हो? अगर हमें तुम्हारा नाम नहीं पता है तो मुझे नहीं पता कि तुम हो कि नहीं हो। अब हम कोई और नाम लें, यहाँ पे कहें आदित्य कुमार त्रिपाठी, वो है कि नहीं है? नहीं, आपको नहीं पता। परंतु जब उसको जान लेंगे तो आप उसका, उसी प्रकार से मूर्ख ने अपने मन में कहा, परमेश्वर का वचन बाइबल बताती नीति वचन में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। तो पहला पाप उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के ज्ञान को, अब परमेश्वर का ज्ञान मन में पाया जाता है, दूसरी जगह परमेश्वर का ज्ञान कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि उसके विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया है। अब उसका वेरिफिकेशन कहाँ से होता है? जाँच कहाँ से होती है? 20वें पद में, उसके अनदेखे गुण, उन गुणों को आप देख नहीं सकते, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की, क्या शब्द है वहाँ पर? सृष्टि। जब मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर की सनातन सामर्थ इस पेड़ से प्रकट होती है। सृष्टि की इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं कि आज भी हमारा वैज्ञानिक संसार रिसर्च कर रहा हो, कह रहा कैसे ये बनाया गया। एक शेर हो रहा है तो उसमें जो है ऑरेंज रंग का और काले रंग का धारी है, दूसरा शेर हो रहा है तो काला सफ़ेद धारी है पड़ी है, कैसे हो रहा है ये? हाथी के बच्चा हाथी पैदा करता है, शेर नहीं करता है, ये कैसे हो रहा है? जो परमेश्वर ने छाप लगा दी है उसमें कोई कोई अंतर नहीं कर सकता। कल ही मैं सोच रहा था कि ये अंगूठे में जो आपका निशान है, ठीक है, वो कभी भी एक समान कहीं भी आज तक पाया नहीं गया। खरबों लोग पैदा होकर मर चुके हैं परंतु अंगूठे का वो निशान हमेशा फर्क रहता है। कभी ध्यान दिया आपने? मैंने तो बहुत बार उसकी स्टडी किया है, देखा कि यार कैसे ये जो है कहीं ना कहीं अलग रहता है। अभी कल मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में कि एक लड़के का नाम और उसके सूरत का आदमी कहीं दूसरी जगह उनको मिला, मिलता जुलता, एकदम बिल्कुल नहीं था पर मिलता जुलता, मतलब यानी कि अगर नहीं पहचानते हो तो धोखा खा सकते हैं आप। कभी कभी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, मेरे भी जुड़वा बच्चे हैं, पर एक लड़का एक लड़की है जिसके कभी कभी उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन हो जाते हैं। कुछ समय तक तो पहचानना मुश्किल रहता है, माँ बाप पहचान लेते हैं पर कॉमन आदमी नहीं पहचान पाता है। पर ये अंगूठे का चीज़, फिंगरप्रिंट्स, एक ऐसी चीज़ परमेश्वर ने करी है कि कभी भी आपको दो एक प्रकार नहीं मिलेंगे। बहुत वर्ष पहले ये पर्स पढ़ने के बाद मैं घास में घूम रहा था लॉन में, और मैं जो ब्लेड्स हैं, मतलब घास की जो पत्तियां हैं उसको बोलते हैं ब्लेड्स, उनको मैं देख रहा था। तो मैंने एक वाला तोड़ के मैं बहुत देर तक घूमता रहा उसको मिलाने के लिए कि उसी के समान मुझे दूसरा मिल जाए, नहीं मिला। परमेश्वर ने कितनी यूनिक रचना करी है, कितनी बड़ी बात है, कभी तुमने सोचा नहीं शायद कि इतने लोगों से तुम मिलते हो। कभी कभी लगेगा तुम्हें कि कोई व्यक्ति किसी के समान मिल गया, पर उसमें भी तुम्हें अंतर दिखाई देगा। ये परमेश्वर के विषय का ज्ञान यहाँ लिखा हुआ है, उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ, परमेश्वर की जगत की सृष्टि से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि हम निरुत्तर हैं, हम जवाब नहीं दे सकते इसका। कितना बड़ा आश्चर्यकर्म फूलों को बनाता है, रंग को बनाता है, उस रंग को कैसे, अपने सिर्फ अपने आँख की स्टडी करिए कि कैसे हमारी आँख रंग को पकड़ लेती है। हर व्यक्ति को लाल रंग लाली दिखाई देता है, एक आध दो कोई ऐसा हो गया कि इसको बीमारी या कोई प्रॉब्लम है, पर नॉर्मली हर व्यक्ति को हरा है तो उसको हरा ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या परमेश्वर कह रहा है 21वें, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने उसके योग्य बढ़ाई धन्यवाद नहीं किया, अपना मार्ग ले लिया। किसी ने ये मार्ग बना दिया, किसी ने ये मार्ग बना दिया, इस मार्ग की पूजा करो, इस मार्ग के पीछे चलो, इस मार्ग को मानो। हमारे जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे जो धर्म हो, हर धर्म
मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं ताकि वो परमेश्वर तक पहुँचे। मनुष्य के बनाए हुए मार्ग को धर्म कहते हैं, मनुष्य की बनाई हुई संस्था को, मनुष्य की बनाई हुई विधि को, मनुष्य के बनाए हुए प्रयास को हम धर्म कहते हैं। परमेश्वर का इसीलिए कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर क्या केवल ईसाइयों के यहाँ पानी डलवाता है या सिर्फ हिंदुओं के यहाँ या मुसलमानों के यहाँ पानी पड़ेगा? नहीं, सब के यहाँ पड़ेगा। इसीलिए हम यीशु दरबार में कहते हैं, यीशु मसीह है सब का मुक्ति दिलाने आया। अगर तुम्हारा सृष्टिकर्ता सब का सृष्टिकर्ता है, और जब तुम ब्लड बैंक जाते हो खून लेने के लिए, तो तुम कभी नहीं कहते हो कि हमको जानवर का खून दे दीजिए या किसी दूसरे का खून दे दीजिए। जो तुम्हें मिलता है तुम उसको प्रयोग करते हो, अगर मैच कर जाता है तो क्या होता है, काम करता है वो, इसलिए कि उसका बनाने वाला केवल एक ही है। साइंटिफिक ट्रुथ है, ये वैज्ञानिक सत्य है, और जो इस पर विश्वास नहीं करता वो विज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो धोखे में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्यों? क्योंकि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन्होंने तमाम चीज़ों में बदल डाला। ये फिलॉसफी, ये धर्म, ये रीति, ये रिवाज, और आजकल के ज़माने में तो आप देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बिजनेस हो गया, ये पैसा कमाने का तरीका हो गया है, जिसको देखो कि वो नया धर्म चला रहा है। परंतु बाइबल ये बहुत सफाई से बताती है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे बहुमूल्य पुस्तक, कि परमेश्वर का कोई भी धर्म नहीं है। उसने सब मनुष्यों को बनाया है और उनके लिए परमेश्वर को पहुँचने तक एक ही मार्ग निर्धारित किया है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है, इसलिए मार्ग भी क्या है, एक ही है। मनुष्य जाति एक है, परमेश्वर एक है, इसलिए मार्ग क्या है, एक है। अब समझ में आ गया, बहुत सीधी सी चीज़ है ये, बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्योंकि परमेश्वर एक है और मनुष्य जाति एक है, इसलिए मार्ग भी एक है। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में बहुत सफाई से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर के अवतार नहीं है, को ध्यान से समझिएगा। अवतार के मतलब क्या है? परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ या परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाला या उसका एम्बेसडर। अब हमारे प्रधानमंत्री का भेजा हुआ, उसको हम राजदूत बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। वो क्या करता है, दूसरे देश में जाकर हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जगह पर खड़ा होता है। परंतु जब हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चले जाएंगे तो राजदूत की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, अवतार के रूप में नहीं आए, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। बहुत ही साधारण चीज़ है, एक चींटी है यहाँ पे, एक चींटी के लिए वहाँ से और उस दरवाजे तक जाने के लिए बहुत लंबा समय है। अब वो बहुत भूखी है, मुझको उसको बताना है कि हे चींटी, वो वहाँ पे दरवाजे के पास बहुत बढ़िया माल रखा हुआ मिठाई का, क्या करेंगे हम? लाउड स्पीकर लेके चिल्लाएंगे, आवाज़ से मर जाएगी वो, या फिर कोई भाषा में बात करेंगे उसको समझ ही में नहीं आएगा। उसको उठा के ले जाएंगे तो एक ही को उठा के ले जाएंगे, दूसरी नहीं जा पाएगी। सबसे बढ़िया उत्तर क्या है, अगर मैं क्या करूँ, स्वयं चींटी बन जाऊँ, तब मैं चींटी की भाषा में जाकर उसको आगे आगे लेके चल के वहाँ तक पहुँचाऊँगा। परमेश्वर ने बिल्कुल ठीक यही किया, यीशु मसीह में होकर उसने हमें उद्धार का मार्ग क्या कर दिया, दिखा दिया। अब समझ में आया? तो पाप के कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने 24वें पद में क्या लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के लिए छोड़ दिया। जाओ करो जो तुम्हें करना है, अपना करना चाहते हो अपना करो, जब थक जाओगे तब मेरे पास आना। इतना बढ़िया मैंने खाना बनाया और आपको बुलाया और कहा कि खा लीजिए, आपने कहा नहीं 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 मैं अपना बनाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया पुलाव, इतना बढ़िया मटर का पुलाव मैंने बनाया और तहरी बनाई और रायता बनाया, कितना स्वादिष्ट खाने में लगता है,
मेरी मम्मी बनाया करती थी। अब मैं उनसे कहूँ नहीं नहीं इसको रखिए, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वो फलाने मेरे दोस्त हैं वो बना देंगे, कितने दुख की बात है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मार्ग तुम्हारे लिए बनाया और तुम कह रहे हो नहीं मैं अपना कोशिश करके आऊँगा, वो क्या हो गया? धर्म हो गया। परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला। ये क्या है? पाप है। और भी बहुत से है वर्णन है 26वें पद ने, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी नीच कामनाओं के ऊपर छोड़ दिया। तो पौलुस यहाँ पे इस पहले भाग में हमको बहुत सफाई से बताते हैं कि उद्धार जो है वो पाप से छुटकारे के बारे में, पाप से क्षमा के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ परमेश्वर के निमित्त उद्धार की सामर्थ्य के मतलब क्या है? पाप के दंड से छुटकारा, क्योंकि हम पापी हैं ना, हमने पाप किया है, इसका दंड क्या है? मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह सबसे पहले जो उद्धार देने के लिए आए वो हमको पापों की क्षमा देने के लिए आए। अब ये समझ में आ गया कि नहीं? सो उद्धार का सबसे पहला भाग क्या है? पापों की क्षमा, हमें से क्षमा, और वो क्षमा हमको केवल परमेश्वर के मार्ग से ही मिल सकती है, मेरे मार्ग से नहीं। और इसको हम अगली बार के क्लास में देखेंगे। तो इस समय हम लोग समाप्त करेंगे, प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो कि आपने हमको दिया, और होने दें प्रभु जी के जब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सुसमाचार क्या है, उद्धार क्या है, तो आप हमारे मनों को खोलें और हमको समझाएं, ताकि हम विश्वास करके पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु।